हैशटैग ब्लेंडर लवर्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उमर। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आज हम बनाएंगे शटल का 3D मॉडल और करेंगे ऑसम रेंडरिंग। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम अपना आज का मॉडल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रैकेट शटल की एक शटल, जिसमें हम मॉडल करेंगे और उसकी करेंगे अमेजिंग रेंडरिंग। तो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ क्यूब सबसे पहले, और यहाँ पर मॉडिफायर्स में आकर सब डिवीजन मॉडिफायर में इस पर ऐड कर दूंगा और इसके लेवल्स कर देंगे 2। अब मैं क्यूब के एडिट मोड में आऊँगा और यहाँ पर आकर इसका टॉप फेस जो है उसको हम रिमूव कर देंगे, और देन मैं ऊपर वाला जो रिंग है इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे ताकि यहाँ पर शटल की जो टिप होती है वैसी शेप इधर बन जाए हमारे पास। अब मैं सब डिवीजन का लेवल कर दूंगा 1, और देन इस पर हम अप्लाई कर देंगे सब डिवीजन मॉडिफायर और ऐड करेंगे न्यू सब डिवीजन मॉडिफायर और इसको कर देंगे शेड स्मूथ। और ये वाला जो एच लूप है इसको मैं लेके आऊँगा बॉटम पर यहाँ पर, और देन मैं एक्सट्रूड करूँगा एक न्यू और इसे स्केल डाउन कर देंगे इस तरह से। अब मैं एक और एक्सट्रूड करूँगा यहाँ पर और F फिल कर देंगे और I इन्वर्ट, और इस स्ट्रीम को मैं डुप्लीकेट करूँगा, S शिफ्ट Z करेंगे और E S शिफ्ट Z अगेन करेंगे ताकि यहाँ पर टेप का रिंग बन जाए। और इसके एज लूप्स जो हैं इनको मैं सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर चारों एज लूप्स को सिलेक्ट करके हम बेवल कर देंगे कंट्रोल B यहाँ पर बेवल, और स्क्रोल अप करके हम इसका एक सेगमेंट बढ़ा देंगे। P प्रेस करके हम इसकी प्रोफाइल यानी कि शेप को 1 कर देंगे ताकि यहाँ पर हार्ड बेवल हो जाए, और इसको देन शेड स्मूथ कर देंगे इस तरह से। अब हम बनाते हैं इसकी एक स्टिक। तो स्टिक बनाने के लिए यहाँ पर मैं प्लेन ऐड करूँगा और इसको मर्ज कर लूँगा एट सेंटर। यहाँ पर वर्टेक्स सिलेक्शन में आ जाएंगे और इस वर्टेक्स को मैं मूव कर लूँगा यहाँ पर, और इस पर ऐड करेंगे हम स्किन मॉडिफायर इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए प्रेस करके इसका रेडियस जो है उसको मैं छोटा रखूँगा यहाँ पर, और ई एक्सट्रूड करूँगा इस साइड पर यहाँ पर इस एंगल पर मैं इसको एक्सट्रूड कर लूँगा, और देन मैं करूँगा फिर कंट्रोल ए ताकि ऊपर इसकी टिप जो है वो और ज़्यादा बारीक हो सके, और इसको हम करेंगे कंट्रोल ए एक्स प्रेस करेंगे तो सिर्फ ये एक्स एक्सिस में ही स्केल होगा। अब दोबारा मैं करूँगा कंट्रोल ए और इसको छोटा कर देंगे। इसी तरह मैं बॉटम पार्ट को भी कंट्रोल ए और एक्स करके एक्स एक्सिस में थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, और फिर करूँगा कंट्रोल ए और इसको छोटा कर लेंगे यहाँ पर। अब मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ और इसकी पोजीशन को हम सेट कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो स्टिक है वो बहुत ही कूल नज़र आ रही है और अच्छे तरीके से बन गई है। अब हम इस पर स्किन मॉडिफायर अप्लाई कर देते हैं और ऐड करते हैं अरे मॉडिफायर। अरे मॉडिफायर्स में मैं इसके काउंट्स जो हैं इनको मैं रखूँगा 16, और यहाँ पर रिलेटिव ऑफसेट को मैं अनचेक कर दूँगा और ऑब्जेक्ट ऑफसेट को हम इनेबल कर लेंगे यहाँ पर। अब मैं ऐड करूँगा एक एम्प्टी प्लेन एक्सिस, और इस स्टिक में आकर हम इसकी ऑब्जेक्ट में आकर एम्प्टी को लिंक कर देंगे। अब हम एम्प्टी को रोटेट करेंगे तो ये देन बूम यहाँ पर हमारे पास स्टिक्स की रोटेशन आ जाएगी, और हम इजीली इनको रोटेट करके यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इनको यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, और अब बनाते हैं हम इसका फेदर। ज्वाइन करें फेसबुक ग्रुप दवाखाना। जी हाँ, सही सुना आपने, किसी भी किस्म की मॉडलिंग टेक्सचरिंग या रेंडरिंग में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग या स्क्रीन शॉट शेयर करना है फेसबुक ग्रुप दवाखाना में। हम आपकी प्रॉब्लम का सलूशन वहां पे आपको रिकॉर्ड करके देंगे या कमेंट्स में बताएंगे। सी यू इन द फेसबुक ग्रुप दवाखाना। तो शटल का जो मॉडल है ये मैं बहुत ही सिंपल रखने वाला हूं, और इसकी मॉडलिंग जो है वो हम इतनी हैवी नहीं करेंगे और डिटेल्ड में नहीं करेंगे। जस्ट हम इसका जो स्टूडियो है और रेंडरिंग है उसको हम डिटेल में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको स्केल अप कर लेता हूँ एडिट मोड में आकर यहाँ पर स्केल Z यहाँ पर, और इसके मटेरियल्स में आते हैं, न्यू मटेरियल बनाते हैं, रीनेम करते हैं फेदर, और अब आते हैं हम शेडिंग टैब में। तो शेडिंग टैब में आकर यहाँ पर मैं कंट्रोल T प्रेस करूँगा और एक नोड सेटअप ऐड कर लूँगा, और यहाँ पर ओपन करूँगा मैं एक टेक्सचर, एक बम्प मैप, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो इस बम्प नोड को मैं यहां पर ऐड करूंगा वेक्टर बम्प के साथ, और इस नॉर्मल्स को हम ऐड कर देंगे, लिंक कर देंगे नॉर्मल के साथ, कलर को लिंक कर देंगे हम हाइट के साथ, और बेस कलर से हम
डीसेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ यहीं पर ही मैं इसी मैप को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर ले आता हूँ, और वेक्टर को हम लिंक कर देंगे वेक्टर के साथ, और यहाँ पर कलर को लिंक कर देंगे हम अल्फ़ा के साथ। यहीं पर मैं ओपन कर लूँगा ओपेसिटी मैप, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर ओपेसिटी मैप भी मैंने ओपन कर लिया है। अब हमारे ऑब्जेक्ट पर ओपेसिटी भी और बम्प भी ऐड हो गया है। रेंडरिंग प्रीव्यू में हम देखेंगे और किसी एक HDR को हम इनेबल कर लेंगे यहाँ से। अब मैं यहाँ पर रेंडरिंग इंजन को रखूँगा साइकल्स पर, और डिवाइस रखते हैं GPU, और व्यूपोर्ट सैंपल हम रखेंगे 128। डिनॉइसिंग को भी हम ऑन कर लेंगे ऑटो डिनॉइसर फ्रॉम 50 सैंपल्स। यहाँ पर आप फेदर देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग नज़र आ रहा है। इसमें जो आ रहे हैं इसके फाइबर्स, उनकी हम डेप्थ यानी कि बम्प की वैल्यू को हम कम करेंगे 0.3 पर। यहाँ पर 0.3 पर ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट बना रही है। और नीचे जो है हमारा अल्फ़ा मैप, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मैं कलर रैंप ऐड करूँगा और वाइट को मैं स्लाइड कर लूँगा ब्लैक की तरफ, ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो है फेदर नज़र आए और कट्स जो हैं वो बहुत ही कम नज़र आएँ। अब हम करेंगे इसकी रफनेस को एडजस्ट। तो यहाँ पर रफनेस की वैल्यू को मैं कर लेता हूँ 0.4 पर, और इसमें ये वाली वैल्यू को हम 1 कर देंगे, और इसकी टिंट रखेंगे हम 0.7। यहाँ पर स्पेक्युलैरिटी को मैं कम कर लूँगा हल्का सा, लाइट सा। और अब इसमें मैं एक सेगमेंट ऐड करूँगा सेंटर में, और देन मैं क्या करूँगा इसका थोड़ा सा हम एंगल बना देंगे। तो इन दोनों साइडों वाले वर्टिसेस को मैं सिलेक्ट करूँगा और जी वाई कर देंगे यहाँ पर, ताकि इसमें हल्का सा बेंड आ सके इस तरह से। अब मैं आ जाऊँगा लेआउट में वापस यहाँ पर, और टेक्सचरिंग प्रीव्यू को हम इनेबल कर लेंगे, और साइड प्रीव्यू में आकर मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट करता हूँ हमारी फर्स्ट टिक पर यहाँ पर। अब हम एडिट मोड में जाएंगे और रोटेट डबल वाई प्रेस करेंगे, ताकि ये लोकल्स में रोटेट हो जाए, और इसको रोटेट करेंगे हम ओनली 20 डिग्री यहाँ पर, और देन इसको हम मर्ज कर देंगे इसके साथ स्टिक के साथ। लेकिन उससे पहले हम स्टिक पर भी मटेरियल ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर स्टिक का मटेरियल मैं बना लेता हूँ, रीनेम करते हैं स्टिक, और इसका जो कलर है उसको मैं वाइट ही रखूँगा, लाइट से येलो कर देंगे, और सैचुरेशन को कम करेंगे 0.04 के करीब। और यहाँ पर इसकी जो रफनेस है, रफनेस को मैं करूँगा 0.3 पर, और स्पेक्युलैरिटी को हम कर देंगे 0.2 यहाँ पर। और अब मैं इसको मर्ज कर दूँगा स्टिक के साथ कंट्रोल जे। अब जैसे ही हमने उसको मर्ज किया, तो अरे मॉडिफायर हमारे प्लेन्स पर और फेदर्स पर भी ऐड हो गया। अब देखते हैं रेंडरिंग प्रीव्यू में। तो यहाँ पर रेंडरिंग प्रीव्यू को मैं ऑन कर लेता हूँ, और सीन वर्ल्ड में एक HDR भी हम इनेबल कर लेते हैं। तो इस HDR में मैं देखता हूँ अपने शटल को, तो यहाँ पर ये बहुत ही अमेजिंग लुक इसकी बन गई है। ट्यूटोरियल को फॉलो करने के बाद जो भी पोस्ट आपके आ गए हैं उसे इंस्टाग्राम पे ज़रूर अपलोड किया करें, और साथ में हैशटैग लगाया करें दास्तान आर्टिफैक्ट्स। तो नीचे जो इसका ये बॉल एरिया है, जिसको हम कोक भी बोल सकते हैं, इस पर भी हम ऐड करते हैं एक मटेरियल। तो रिनेम करता हूँ मैं कॉक, और शेडिंग व्यू में आ जाएंगे यहाँ पर, और इस पर मैं एक नॉर्मल टेक्सचर ऐड करूँगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम टेक्सचर नोड्स को ऐड कर लेंगे, और यहाँ पर ओपन कर लेंगे हम एक नॉर्मल मैप। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल मैप को ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर ही नॉर्मल मैप नोड ऐड कर लूँगा, और नॉर्मल को लिंक कर देंगे नॉर्मल के साथ, और कलर को लिंक कर देंगे नॉर्मल के साथ। यहाँ पर कलर स्पेस को मैं रखूँगा नॉन कलर, और यहाँ से बेस कलर के साथ हम इसको डिसकनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर ही मैं इसका स्केल एडजस्ट कर लूँगा, तो स्केल को मैं बढ़ाऊँगा अभी यहाँ पर। स्केल इसका हम रखेंगे 3, तो यहाँ पर मैं वैल्यू इनपुट कर देता हूँ 3, और बम्प की स्ट्रेंथ जो है इसको मैं कर देता हूँ 2, और रफनेस जो है इसको मैं कर देता हूँ 0.3, और स्पेक्युलैरिटी को भी 0.3। यहाँ पर कलर जो है इसका वो हम रखेंगे प्योर वाइट। अब इसकी टेप जो है यहाँ पर लगी होती है, उस पर भी हम एक मटेरियल ऐड करेंगे, न्यू मटेरियल बनाएंगे, न्यू मटेरियल रीनेम करते हैं टेप, असाइन कर देंगे इस पर ये वाली जियोमेट्री सिलेक्टेड, और इसका कलर जो है उसको मैं रखूँगा ब्लैक, और रफनेस जो है इसकी रखेंगे हम 0.2 पर, और स्पेक्युलैरिटी को हम बहुत ही कम कर देंगे 0.1 कर देंगे यहाँ पर। यहाँ पर हमारी जो शटल है वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है, बस थोड़ा सा स्टिक का एंगल बनाना है।
तो यहाँ पर स्टिक को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर देता हूँ एक्स एक्सिस में, और आप सिंपली एडिट मोड में भी आकर इसको रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, सॉलिड प्रीव्यू में आ जाते हैं, सीन को फुल व्यू कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं स्नैप करता हूँ अपना कर्सर, और रोटेटिंग पिवट को हम रखते हैं 3D कर्सर पर यहाँ पर। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ यहाँ पर, अब देखते हैं रेंडरिंग प्रीव्यू में। तो यहाँ पर शटल जो है वो बहुत ही अमेजिंग बन गई है। थोड़ा सा हम इसका एंगल और बना देंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर ये बहुत ही कूल बन गई है। अब हम ऐड करते हैं इसमें दो जगह पर टॉरस। तो यहाँ पर मैं सॉलिड प्रीव्यू में आ जाऊँगा और शिफ्ट सी प्रेस करके मैं कर्सर को सेंटर में ले आऊँगा। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे टॉरस सब्जेक्ट और इसको GZ मूव अप कर लेंगे, और मॉडिफायर्स में आकर इस पर ऐड कर देंगे हम सब डिवीजन मॉडिफायर, और इसको शेड स्मूथ कर देंगे। अब ऑल्ट एस प्रेस करके मैं इसका रेडियस एडजस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर इसका रेडियस मैं बहुत ही छोटा रखूँगा ताकि ये स्टिक्स में से गुजर सके, और इसको हम रखेंगे GZ यहाँ पर, और वायर फ्रेम में आ जाते हैं, और यहाँ पर मैं इसका स्केल जो है वो बड़ा रखूँगा SHIFT-Z यहाँ पर, और ऑल्ट एस करके हम इसकी जो है थिकनेस मोटाई उसको हम कम कर लेंगे। अब इसी को मैं डुप्लीकेट करके नीचे ले आऊँगा यहाँ पर, और इसको स्केल डाउन करूँगा स्केल SHIFT-Z, और यहाँ पर भी हम इस स्टिक को ऐड कर देंगे, और इस पर भी हम ऐड कर देंगे वही मटेरियल स्टिक्स वाला इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसका बनाते हैं स्टूडियो। तो स्टूडियो से पहले मैं तमाम चीज़ों को, तमाम ऑब्जेक्ट्स को इसी के साथ कंबाइन कर लूँगा। तो तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके साथ कंट्रोल पी कीप ऑफसेट कर लेते हैं इस तरह से, ताकि मैं एक ही ऑब्जेक्ट को मूव करूँ और तमाम ऑब्जेक्ट्स उसी के साथ पेरेंट रहें। तो अब हम ऐड करेंगे इसमें कैमरा, और एडजस्ट करता हूँ मैं हमारा कैमरा। तो कैमरा को मैं ले आऊँगा यहाँ पर। अब मैं हमारी शटल को पोजीशन करूँगा, तो शटल की पोजीशन हम रखेंगे RR प्रेस करके, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, और इस तरह से मैं इसकी रोटेशन को एडजस्ट करूँगा। तो शटल मैंने व्यू में ऐड कर दी है। अब हम रेंडरिंग प्रीव्यू में देखते हैं, तो यहाँ पर शटल की पोजीशन और कैमरा एंगल बहुत ही कूल नज़र आ रहा है। अब हम सीन वर्ल्ड को इनेबल कर लेंगे, और यहाँ पर सीन सेटिंग्स में आकर वर्ल्ड सेटिंग्स में यहाँ पर कलर को हम कर देंगे ब्लैक, और स्ट्रेंथ को हम कर देंगे 0, ताकि ये फुली ब्लैक हो जाए और हम इस पर अपने हिसाब से लाइटिंग कर सकें। तो यहाँ पर मैं एक और विंडो को एक्सटेंड कर लूँगा, और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा जूम यहाँ पर, और इसमें एक्स्ट्रास और मैनिपुलेटर्स को हम इनेबल कर लेंगे। यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एक एरिया लाइट, तो एरिया लाइट को मैं मूव कर लेता हूँ एक्स डायरेक्शन में, और रोटेट वाई 90 कर लेंगे। रोटेशन कर्सर को मैं हम मीडियन पॉइंट पर रख लेंगे, और देन दोबारा करेंगे रोटेट वाई 90, और इसको स्केल अप करूँगा यहाँ पर, और इसका थोड़ा सा एंगल मैं रखूँगा इस जगह पर। अब लाइट्स की प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे, और यहाँ पर लाइट की पावर को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 के साथ, और देन मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, मल्टीप्लाई 20 यहाँ पर। यहाँ पर लाइट जो है वो बहुत ही कूल आ रही है हमारे हमारी शटल पर, और बहुत ही अमेजिंग शेडिंग बना रही है। तो यहाँ पर मैं इसकी जो स्प्रेड है, स्प्रेड को मैं रखूँगा 45 एंगल पर, और अब हम इसकी पावर को कर देंगे 4000 यहाँ पर। अब इसी लाइट को मैं डुप्लीकेट करूँगा, और इसी शटल की बैक साइड से हम एक रिम लाइट ऐड करेंगे, और इसको मैं मूव कर लेता हूँ डाउन से थोड़ा सा नीचे, और इसका स्केल डाउन करेंगे, और शिफ्ट टी प्रेस करके मैं इसका एम सेट करूंगा हमारी शटल की तरफ। अब इसकी जो स्प्रेड है उसको मैं रखूंगा 20, और इसका जो कलर है उसको मैं रखूंगा ऑरेंज यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैक बैकग्राउंड पे हमारी जो शटल है वो बहुत ही अमेजिंग लग रही है। तो यहाँ पर हम एक और प्लेन ऐड करते हैं, और उससे बनाते हैं अपना बैकग्राउंड। तो यहाँ पर मैं रोटेट एक्स कर लेता हूँ, और इसको स्केल अप कर लेता हूँ यहाँ पर। अब इसमें मैं एक इमेज टेक्सचर ऐड करूँगा, तो यहाँ पर न्यू मटेरियल बना लेते हैं, और इसको रीनेम कर लेते हैं BG, और यहाँ पर सरफेस की जगह मैं ऐड कर देता हूँ डिफ्यूज शेडर, और इसमें कलर की जगह हम ऐड करेंगे टेक्सचर, इमेज टेक्सचर। और इस इमेज को मैं ओपन कर लेता हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं।
अब मैं इसका स्केल यहीं पर एडजस्ट कर लूँगा, एस एक्स करेंगे यहाँ पर इसका स्केल आएगा, और अब इसको मैं कैमरा व्यू में भी एडजस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर फ्रंट व्यू में आऊँगा और इसको सिंपली हम मूव करके कैमरा में एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। एक साइड पर मैं ब्लैक ही चाहता हूँ बैकग्राउंड, और यहाँ पर हमारा एंगल और पोजीशन सब कुछ ओके है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस प्लेन ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा व्यू में ले आऊँगा यहाँ पर, और ऐड करूँगा एक पॉइंट लाइट जो कि हम रखेंगे फ्लोर की एक साइड पर, और इसका रेडियस मैं बढ़ा लूँगा और पावर को हम करेंगे 5000 यहाँ पर। और इसका जो कलर है, कलर को मैं रखूँगा लाइट ऑरेंज सा, जैसा कि हमारा है हमारी लाइट का, और इसको हम रखेंगे यहाँ से ताकि यहाँ से फॉल ऑफ बने हमारे बैकग्राउंड पर एक ऑरेंज सा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। तो कैमरा को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और डेप्थ ऑफ फील्ड को इनेबल कर लेंगे। यहाँ पर फोकस ऑब्जेक्ट को मैं रखूँगा क्यूब पर जो कि है हमारी शटल का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर एफ स्टॉक को मैं रखूँगा 0.1 ताकि पीछे जो है हमारा कूल बुके इफ़ेक्ट बन जाए। और यहाँ पर अब मैं ऐड करूँगा एक टेक्स्ट, टेक्स्ट को मैं ऐड करता हूँ रोटेट एक्स 90 करता हूँ, और इसको ले जाते हैं यहाँ पर एडिट मोड में आएंगे और रिनेम करते हैं शटल। और इसकी फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ में आकर आप यहाँ से फॉन्ट सेटिंग्स में आएँ, और रेगुलर की जगह आप इसमें कोई भी फॉन्ट ऐड कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट तौर पर भी आपका फॉन्ट फोल्डर जो है ओपन हो जाएगा और उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको फॉन्ट्स जो हैं वो दिखाई देंगे। तो इस फॉन्ट को मैं ऐड कर लेता हूँ और इसका साइज़ जो है उसको हम बड़ा कर लेते हैं। अब मैं इस पर मटेरियल ऐड करूँगा, तो यहाँ पर न्यू मटेरियल बनाते हैं, रीनेम करते हैं टेक्स्ट, और सरफेस की जगह मैं ऐड कर दूँगा एमिशन शेडर, और इसकी वैल्यू को हम रहने देंगे 1 और कलर कर देंगे प्योर वाइट। यहाँ पर इसको स्केल अप कर लेता हूँ। तो फाइनल रेंडर से पहले मैं यहाँ पर सैम्पल्स को कर लूँगा 256, और डिनोइसिंग जो है उसको हम कर लेंगे ओपन इमेज डिनोइसर पर। अब मैं करता हूँ फाइनल रेंडर। टीजर स्लाइस के ट्यूटोरियल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो हमारी इमेज जो है वो रेंडर हो गई है। अभी हम इस पर करते हैं कंपोजिटिंग, तो यहाँ पर यूज़ नोट कर लूँगा और कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट माउस बटन के साथ हम इसकी व्यूइंग को ऑन कर लेंगे। और यहाँ पर अब मैं कुछ कंपोजिटिंग नोट्स को ऐड करूँगा। सबसे पहले मैं ऐड करूँगा डिस्टोर में आकर लेंस डिस्टोरेशन, और यहाँ पर इसकी डिस्पर्शन वैल्यू को हम कर देंगे 0.02 यहाँ पर, ताकि इसके एजेस पर, और इस पर आप फिट को ज़रूर चेक कीजिएगा क्योंकि इससे आपकी जो पोस्ट है उसका बॉर्डर वो ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर व्यू में आकर मैं जूम आउट करूँगा और आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर बॉर्डर अगर हम फिट को चेक नहीं करते तो यहाँ पर एक लाइन बन जाती है ब्रीक सी। तो इसको फिट पर रखा करें, और इसकी वैल्यू को आप जितना भी करेंगे तब आपके बॉर्डर जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ 0.3 पर। और अब हम करते हैं इसकी थोड़ी सी कलर करेक्शन, तो यहाँ पर मैं कलर करेक्शन को ऐड कर लेता हूँ, और हमारा जो है शेडोज़ में हम स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे 0.1 यहाँ पर, और कंट्रास्ट को भी मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगा, तो यहाँ पर 1.1 कर लेता हूँ। 1.1 बहुत ही ज़्यादा वैल्यू हो गई, यहाँ पर 1.01 कर लेते हैं इस तरह से, और कम कर लेंगे 0.1 यहाँ पर। इसी तरह सैचुरेशन की वैल्यू को भी मैं कम कर लूँगा 0.01। तो यहाँ पर हमारी पोस्ट जो है वो बहुत ही अमेजिंग बन गई है। अब हम दोबारा से करेंगे फाइनल रेंडर और रेंडर इमेज को सेव कर लेंगे। तो शटर का ट्यूटोरियल कंप्लीट हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।